अच्छा आज हम क्या बना रहे हैं? कैरेट केक बना रहे हैं। ओके चलिए, सो मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, दालचीनी का पाउडर और नटमेग यानी जायफल। देखें छान के मैं यूज करती हूँ, ये देखें कितना ये काला काला है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये मुंह में आए, सो दैट्स व्हाई आई रिमूव इट। मैं छान के यूज करती हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब तेल है, ये है, अच्छा वहाँ आपको ऑरेंज जूस और आइसिंग शुगर नजर आ रही है, वो ऑरेंज जूस आइसिंग शुगर मिक्स करेंगे, केक जब निकलेगा अवन में से तो ऊपर हम ग्लेज लगाएंगे, दैट्स इट, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। चलिए अंडे 3 अदद, आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आज इनिक्स की तरफ से डीलक्स सैंडविच मेकर है, आपको पता है सैंडविच मेकर में हमने केक बनाया है, दही बड़े बनाए हैं, ऑमलेट बनाया है, क्या कुछ नहीं बनाना सिखाया है मैंने। अगर आपको भी जीतना है हमारे शो के थ्रू, गैस नहीं है तो सैंडविच मेकर में कुछ ना कुछ बना लीजिए। तो आपका हम मुझे क्या आज बताऊँ मैं, बीफ, चले बीफ हम यूज़ कर रहे हैं, तो अंडरकट बीफ यूज़ कर रहे हैं, तो बीफ से बनने वाले कोई रेसिपीज़ के नाम लिखिए, 888-1 पे SMS करिए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छी तरह अंडे बीट हो जाएं 3 अदद, ब्राउन शुगर, तेल, ऑरेंज का छिलका, ऑरेंज सीजन में है तो जेस्ट डाल दिया करें, हर डिजर्ट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, गाजर, आप इसमें पाइनएप्पल के चंक्स भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, किशमिश, ठीक है। अब आप इससे मिक्स कर दीजिए, किशमिश, गाजर, ऑरेंज का छिलका और मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दालचीनी का पाउडर और जायफल यानी नटमेग, ये सारी चीज़ें अंदर चली जाएंगी और आप इसको बेक करिए 1 टिन में करना चाहें 1 में कर दीजिए, मेरे पास यहाँ 2 टिन्स हैं, लेट मी सी द अमाउंट ऑफ मिक्सचर, और इसको हमने ग्रीस करना है तेल के साथ और यहाँ पेपर भी लगाना है, सो वील डू दैट। मैं इसलिए 2 टिन्स में करती हूँ कि थोड़ा सा बैटर होगा, जल्दी बेक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जल्दी से निकल आएगा टिन में से, और फिर हम इसको आइस भी कर सकेंगे। आपके पास टाइम हो तो आप बड़े टिन में करिए, कोई से भी शेप वाले टिन में करिए। अच्छी तरह ग्रीस कर दीजिए इस तरह, बेस जो होता है बेस नीचे का उसी के साइज का आप इसको काट लिया करें पेपर को, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब इसको हम हटा देते हैं, ओके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है कहीं मत, सो यहाँ मेरे पास है आइसिंग शुगर, पहले थोड़ी सी लेते हैं, उसमें हम ऑरेंज का जूस डालेंगे एंड मिक्स इट, ये लम्प्स जो है ना वो निकल जाएं, और यूज़ अ विस्क ताकि लम्प्स ना रहें, बिकॉज लम्पी ग्लेज हमें नहीं चाहिए, आज मैंने छान के नहीं यूज़ किया तो देखें कितने लम्प्स हैं आइसिंग शुगर में।
ब्रेक तो नहीं है, ये देखें, देखा आपने इस तरह का, बस ये काफ़ी है एक केक के लिए। निकाल दिया है हमने, ठीक है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिएगा इसको, वो करिएगा क्या करिएगा, ठंडा करिएगा, और ग्लेज जो है जिसमें ऑरेंज जूस है और क्या है आइसिंग शुगर है, इसको आप ज़रा अच्छी तरह इस तरह पूरे केक पे लगा दीजिए।